इलेक्ट्रिसिटी। हमारी मॉडर्न दुनिया में हम सब अपने ज़्यादातर काम के लिए इस पर डिपेंडेंट हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं या तो कोल जैसे फॉसिल फ्यूल वाले नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से, या फिर सोलर पावर जैसी रिन्यूएबल सोर्सेस से। सोलर पावर हमें मिलती है सन की एनर्जी को सोलर पैनल से कैप्चर करके। इन्हीं सोलर पैनल्स के बारे में हम सभी ये जानते हैं कि जितनी धूप होगी उतना अच्छा ये काम करेंगे, क्योंकि रात में तो ये काम करते नहीं है। तो फिर बारिश का क्या? क्या ये सोलर पैनल्स रेनी सीजन में इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? आइए इसका आंसर खोजें, जाने दुनिया 10 मिनट में। सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो पाता है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट की वजह से। तो क्या है ये इफेक्ट? ये इफेक्ट बताता है कि कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स जिनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, उनकी उस क्षमता को जिससे वो अपने ऊपर सनलाइट पड़ने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यही प्रोसेस सोलर पैनल के अंदर भी होती है। अब जितनी ज़्यादा लाइट पड़ती है ऑब्वियसली उतना करंट जनरेट होगा। पर भले ही टेक्निकली कई लोग ये मानते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट पड़ने पर ही इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल में बनती है, तो ऐसा नहीं है। ये सेमीकंडक्टर्स लाइट सेंसिटिव हैं। अगर सनलाइट रिफ्लेक्ट होके भी आए या इवन क्लाउड से पास होते हुए भी आए, तब भी सोलर पैनल्स काम करेंगे। अब दिन के समय कितनी भी तेज बारिश या तूफान आए, लेकिन कुछ ना कुछ लाइट तो रहती है ना। ऐसा तो होता नहीं कि एकदम रात के जैसे अंधेरा हो जाता है। तो अगेन, ऐसे मौसम में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। सोचिए जरा, आपके पड़ोसी बिना लाइट बैठे हैं ह्यूमिडिटी में, और आप मस्त बैठ के पंखे के नीचे पकौड़ी खा रहे हैं। नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप भी सोलर पैनल्स अपने घर में लगवाने का प्लान कर रहे हैं। तो वीडियो पर वापस चलते हुए हम ये बात अपने मन में क्लियर कर लें कि भले ही आपके पास लाइट हो, पर मौसम तूफानी रहा तो आपकी लाइट ज़्यादा देर रहेगी नहीं। इसका रीज़न है डायरेक्ट सनलाइट से कंपेयर्ड कम बिजली का बनना। पर कितना कम? क्लाउडी डेज में सोलर पैनल्स अपनी ऑप्टिमल कैपेसिटी की 30% से 50% बिजली ही जनरेट कर पाते हैं। हैवी रेन्स के दौरान सोलर पैनल्स अपनी ऑप्टिमल कैपेसिटी की सिर्फ 10% से 20% बिजली ही जनरेट कर पाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ बिजली आपको मिलती तो रहेगी तूफान में भी, अनलेस ऑफ कोर्स आपका सोलर पैनल उड़ के फिका जाए, जिस केस में आपका पड़ोसी उल्टा आप पर हंसेगा। तो अब अगर आपका 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम समर्स में 4 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था, तो क्लाउडी वेदर में यही सेम सिस्टम लगभग 1 से 2 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी दिन में देगा। पर अगर हैवी रेन होती है तो ये फिगर 0.5 से 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक सिमट जाएंगी। अगर आप ऑन ग्रिड हों यानी पावर ग्रिड से जुड़े हों, तो आप अपनी कमी वहां से पूरी करा सकते हैं। और जो लोग ऑफ ग्रिड हैं यानी पूरी तरह पावर ग्रिड से डिसकनेक्टेड हैं, वो लोग अपने पास या तो डीजल जनरेटर रखें या फिर अपनी जो बैटरीज हैं उनकी संख्या बढ़ा लें ताकि ब्लैकआउट ना हो। तो हमें जवाब मिल गया कि सोलर पैनल्स का बिहेवियर रेनी सीजन में कैसा होगा। पर अब ये पावर ग्रिड क्या है, जानने के लिए देखिए आपके लेफ्ट साइड वाला वीडियो। साइंस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए क्लिक करिए अपने राइट साइड वाला लिंक। तब मिलते हैं इन वीडियोस में।